स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल इन दो शब्दों में अंतर जानेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, हिस्टोरिक इज यूज्ड स्पेशली फॉर हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस, रिमेन्स, कस्टम्स एट्सेट्रा एंड फॉर मोमेंट्स विच मेक हिस्ट्री। हिस्टोरिक वर्ड का यूज हम उन प्लेसेस, रिमेन्स या कस्टम्स के साथ करते हैं जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट होते हैं, या उन मोमेंट्स के लिए करते हैं जो इतिहास बनाते हैं। जैसे वी स्पेंट द समर विजिटिंग हिस्टोरिक हाउसेज एंड कैसल्स इन फ्रांस। देखिए, हमने समर जो है वो गुजारी विजिट करते हुए हाउसेज और कैसल्स मीन्स किले। तो हमने गर्मियाँ गुजारी विजिट करते हुए, किनकी विजिट करते हुए, हाउसेज और कैसल्स। तो ये हाउसेज और कैसल्स जो हैं ये हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेज हैं, तो इसके लिए इनके साथ हिस्टोरिक वर्ड यूज हुआ है। हिस्टोरिकल मीन्स कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्टोरिकली का क्या मतलब, हिस्टोरिकल का क्या मतलब है, ये कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के अध्ययन से जो चीज़ जुड़ी हुई है उसके लिए हम हिस्टोरिकल कहते हैं, उसके लिए हम हिस्टोरिकल वर्ड यूज करते हैं। या फिर कोई हिस्ट्री में रियली एग्जिस्ट करती है कोई चीज़, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च। रिसर्च जो है, हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका क्या मतलब है कि जो रिसर्च है वो कनेक्टेड विद द हिस्ट्री, विद द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, वो रिसर्च जो हिस्ट्री के अध्ययन से संबंधित है। हिस्टोरिकल नावल, अब वो नावल जो किससे कनेक्टेड है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री से। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जो किससे कनेक्टेड है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री से। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल वर्ड यूज हुआ है इनके साथ। और हिस्टोरिक कब यूज़ करते हैं, उन प्लेसेस के लिए, रिमेन्स के लिए, कस्टम्स के लिए जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था छोटा सा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।